नमस्कार, स्वागत है आपका आईवी टीवी के स्पेशल शो एजुकेशन फाइल्स में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस शो में हम आपको एजुकेशन से जुड़ी खबरें बताएंगे क्योंकि शिक्षा है जरूरी। आज खबर में बात होगी कि बिहार में साल भर के अंदर रिटायर कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा फैसला आया है और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने साल भर के अंदर रिटायर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर चुके राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अगले एक वर्षों के लिए संविदा पर ली जा सकेगी, लेकिन ये व्यवस्था पहली अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए ही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का संकल्प जारी किया है। संविदा पर नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के उपरांत बड़ी संख्या में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं। आपको बता दें, वर्तमान में बिहार में परिस्थिति ऐसी है कि उन पदों पर तत्काल पद स्थापना संभव नहीं है और वर्ष 2020 में ही कोविड संक्रमण और फिर दूसरी लहर का आ जाना, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों को अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन के संबंध में कहा गया है कि ये व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए होगी। संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक या फिर अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में कोई दंड उसे नहीं मिला हो। अराजपत्रित कर्मियों पर विचार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष प्रशासन विभाग के सचिव होंगे। राजपत्रित कर्मियों के मामले पर विचार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। प्रशासन विभाग के सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। अब आते हैं दूसरी खबर पर। निगरानी जांच के लिए विभिन्न जिलों से 9644 शिक्षकों ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। ऐसे में शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षक नौकरी से हटाए जाएंगे, साथ ही इनसे अब तक उठाए गए वेतन की राशि भी वसूली जाएगी। आपको बता दें, 21 जून से 20 जुलाई तक निगरानी जांच से छूटे सभी शिक्षकों को फोल्डर पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत दी गई। विभिन्न जिलों से 89,874 शिक्षकों को सर्टिफिकेट अपलोड करना था। इनमें से 80,230 शिक्षकों ने फोल्डर अपलोड किया है। अपलोड किए सर्टिफिकेट की जांच निगरानी के अफसर संबंधित बोर्ड, बीबी और प्रशिक्षण संस्थानों से कराएंगे। जांच में पता चलेगा कि कितने शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर भर्ती हुए हैं। जाते जाते आपको बता दें कि कल STET पास अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर पटना के कारगिल चौक से BSEB तक मार्च निकाला था। इस अवसर पर STET अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि हमें नियोजन नहीं नियुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन करेंगे। तो ये थी आज की एजुकेशन से जुड़ी खबरें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए एजुकेशन फाइल। हम YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें और Twitter पे फॉलो करें। धन्यवाद।